गेहूं क्रय केंद्रों को लेकर मुख्यमंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गेहूं खरीद को लेकर सपा को घेरा है। सीएम योगी ने कहा कि 2016 में सिर्फ 7 लाख मैट्रिक टन क्रय हुआ था और इस साल 54 लाख मैट्रिक टन क्रय हुआ है। क्रय केंद्रों को लेकर भ्रांतियां फैलाई जा रही थी। 85,000 मैट्रिक टन की खरीद बलिया से हुई है, पिछले साल 48,000 मैट्रिक टन की खरीदी हुई थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्रय केंद्र के अधिकारियों को गेहूं को भीगने से बचाने के लिए इंतजाम करने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। 22 जून तक गेहूं क्रय केंद्र खुले रहेंगे जिससे किसान अपना गेहूं बेच सकेंगे। इसके लिए कुछ प्रस्ताव हम लोगों ने यहां जनप्रतिनिधि ने मुझे उपलब्ध करवाए हैं। देखिए, एक चीज जो जिसके बारे में बहुत भ्रांतियां पैदा करने का प्रयास हो रहा है वह है गेहूं क्रय केंद्रों के बारे में। अगर आप बलिया के अंदर देखेंगे तो कोरोना के सेकेंड वेव में विगत वर्ष की तुलना में, यानी जो आज एक किसानों से सीधे गेहूं क्रय केंद्र के माध्यम से क्रय करने हैं और डीबीटी के माध्यम से धनराशि उपलब्ध कराने की जो कार्रवाई चल रही है हमने 2017 में प्रारंभ की थी। 2016 की अगर मैं बात करूं तो 2016 में केवल 7 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय हुआ था। हम लोगों ने कल तक 54 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय सीधे किसानों से किया है।